अभी तक आपने पढ़ा कि एक ही गुण के दो विभिन्न पर्याय रूपों को व्यक्त करने वाले कारकों को एक दूसरे का अलील या युग्मविकल्पी कहते हैं। ये युग्मविकल्पी या अलील होमोलोगस क्रोमोसोम के विशिष्ट स्थान पर स्थित होते हैं। इस स्थान को लोकस कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक गुण को प्रदर्शित करने के लिए जीन दो तक ही लिमिटेड रहें, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी लंबाई के लिए को प्रदर्शित करता है। कभी कभी दो से अधिक एलीलिक फॉर्म ऑफ जीन्स यानी कि युग्मविकल्पी दो से अधिक होते हैं जो एक ही लोकस पर उपस्थित होते हैं और वो किसी जेनेटिक ट्रेड को ट्रांसमिट करते हैं। ये जीन बहुविकल्पी जीन या मल्टीपल एलील्स कहलाए जाते हैं। तो बहुविकल्पी तीन, चार अथवा अधिक युग्मविकल्पियों के वे सेट हैं जो सामान्य जीन में म्यूटेशन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं और सजातीय गुणसूत्रों में उसका बिंदु पद यानी लोकाय पर स्थित रहते हैं। वाइनस्टीन ने बताया कि मनुष्य में पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप ए बी ओ और ए बी एक अनुवांशिक लक्षण है। माता पिता से प्राप्त होने वाले जीन्स पर ही ब्लड ग्रुप की वंशागति यानी इनहेरिटेंस निर्भर करती है। जब ये जीन्स या एलील्स दो ना होकर तीन होते हैं तब इनको मल्टीपल एलील कहते हैं। इनका कारण है कि इनमें तीन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या विकल्पी लक्षणों का पाया जाना। ये तीनों ही एलील्स होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक ही स्थान पर लगे होते हैं। किसी भी मनुष्य में ये तीन एलील्स एक साथ नहीं हो सकते, इनमें से दो ही हो सकते हैं। इन एलील्स के ये जो आपके ब्लड ग्रुप के एलील्स हैं इनको कैपिटल आई के ऊपर ए आई बी और आई ओ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इनमें से एलील आई ए और आई बी आई ओ के प्रति डोमिनेंट है, लेकिन आई ए और आई बी एलील्स दोनों को डोमिनेंट होते हैं, अर्थात दोनों ही एक साथ होने पर स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। ब्लड ग्रुप में एलील आई ए की उपस्थिति में ए एंटीजन बनता है, एलील आई बी की उपस्थिति में बी एंटीजन बनता है, एलील आई ए और आई बी की उपस्थिति में दोनों ए बी एंटीजन बनते हैं और एलील आई ओ की उपस्थिति में कोई एंटीजन नहीं बनता। तो आई ए और आई ए की उपस्थिति में हम मानते हैं कि ए ब्लड ग्रुप होता है और एलील आई बी और आई बी की उपस्थिति में बी ब्लड ग्रुप होता है। इसी प्रकार जब दोनों एलील्स पाए जाते हैं ए और बी के, आई ए और ए आई बी के, तो ए बी ब्लड ग्रुप होता है और जब आई ओ और आई ओ होता है यानी कि कोई एंटीजन नहीं बन रहा है का मतलब ओ ब्लड ग्रुप है, क्योंकि आई ए आई ओ के ऊपर डोमिनेंट है। इसलिए जब एलील्स आई ए और आई ओ उपस्थित होंगे तो ब्लड ग्रुप ए होगा। इसी प्रकार आई बी और आई ओ की उपस्थिति में ब्लड ग्रुप बी ही रहेगा। अब हम इसकी वंशागति का अध्ययन करेंगे। यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ओ है तो उनकी संतानों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? पिता का ब्लड ग्रुप ए है तो आई ए और आई ए लिखेंगे और माता का ओ है तो आई ओ और आई ओ लिखेंगे। अब इसको इसकी वंशागति मेंडल के नियमानुसार हम यहाँ देखेंगे कि इसके गैमीट्स जो बनेंगे वो सब आई ए ही बनेंगे और माता के गैमीट्स जितने भी बनेंगे वो आई ओ ही बनेंगे। इनकी क्रॉस कराने से ये पता चलता है कि इनके जितनी भी संतानें हैं उन सभी का ब्लड ग्रुप ए होगा, क्योंकि आई ए ए जो है ए गैमी ए एलील जो है वो आई ओ पर डोमिनेंट है।